इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इंडिया के पास अलग अलग एस्टिमेशन के हिसाब से 100 से 150 न्यूक्लियर वेपन्स है, वहीं पाकिस्तान के पास 110 से 160। हर एक केस में पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया था, वहीं पाकिस्तान ने 1998 में। हालांकि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने वेपन्स हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि उन्हें डिलीवर करने के लिए आपके पास मेथड कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के पास कई तरह के शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की मिसाइल है, पर कोई भी हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, जिससे कि वो इंडिया के अंदर अटैक नहीं कर सकता। इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी है और इवन सबमरीन के माध्यम से भी न्यूक्लियर अटैक करने में कैपेबल है, और किसी न्यूक्लियर अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास S-400 भी है। वैसे तो इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे बिलीव करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पहले अटैक स्टार्ट करता है तो उनका एंड भी पहले होगा, इस बात की गारंटी है।